है, शौर बनता है धारण करने से, अणा है ये धारण, धारण धर्म धारण से बनता है। कहीं भी सर्च करोगे यही मिलेगा। धारण करना मीन्स होता है ग्रहण करना, सीखना। तो इसका मतलब धर्म का मतलब क्या हुआ? शिक्षा, वही हो गया। धर्म का अर्थ है शिक्षा। अब एक मिसाल समझो, आपने पांचवी क्लास पास की, आप छठी में आते हैं। जब छठी में आते हैं फिर छठी पास की सातवीं में, सातवीं पास की आठवीं में, किसी भी क्लास में रुक जाओ जहां आपका मन करे, रुक के ये सोचो पिछली क्लास आपको याद रहती है? मैंने क्या पढ़ा? रखते लोग याद, छोड़ते जाते। कई तो पेपर जब दे के बाहर आते ना, करे स्यापा हूं, ऐसे भी कहते हैं। नहीं रहता ना, फिर रहता क्या है आदमी के पास? ये आपकी नहीं बात, सारे बच्चों, हर कौम का बच्चा, हर देश का बच्चा ऐसा ही है। बचता क्या है तो सोचो, उसमें से निकलता क्या है? निकलता है जब आप मैट्रिक पास करते हैं, उसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट चुनने होते हैं। सुनने होते हैं ना, अलग अलग हो जाते हैं, सारे ही मैट्रिक तक दसवीं क्लास तक सब्जेक्ट इकट्ठे। देखो परमेश्वर का ज्ञान कितना वैज्ञानिक बात बता रहा हूं, आपकी पढ़ाई से जोड़ी, कोई अंधविश्वास नहीं। जब आपके सब्जेक्ट चुनने होते तो कहां से चुने जाते हैं सब्जेक्ट? ना पांचवी से, ना छठी से, ना आठवीं से, ना नौवीं से, ना दसवीं, दसवीं से भी नहीं। किताबों से तो चुने ही नहीं जाते, स्वभाव से चुने जाते हैं कि आपका स्वभाव में अच्छा क्या है। आपको मैथ अच्छा लगता है कि साइंस अच्छी लगती है? आपको हिस्ट्री अच्छी लगती है कि आपको पॉलिटिकल साइंस अच्छी लगती है? ऐसे होता कि नहीं? ऐसे होता। वैसे तो हमारे बच्चों के साथ जबरी भी होती है, टीचर खुद ही लिख देते तो ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले। पर आम तौर पे जो असली बात है, जो कुदरती बात है, जो नेचुरल है, नेचुरल स्वभाव से होता है कि मुझे क्या बनना है, वो बच्चा खुद तय करता है। और स्वभाव हमारे साथ भी पैदा होता है, स्वभाव बनता भी है, दो चीजें। जैसे बच्चा पैदा हुआ तो क्या देखते हैं आप उस पैदा होते ही? इसका नाक किसके जैसा है, माँ जैसा है कि बाप जैसा है, है ना? लिप्स कैसे हैं, माथा कैसी है, देखते हैं। मगर फिर जब बड़ा होता फिर क्या देखा जाता है? इसकी आदतें किसके जैसे, दो चीजें अलग अलग हो गई। ये आदतें स्वभाव है, इसी को आप करैक्टर कहोगे। करैक्टर ये है असल। तो परमात्मा जो कहते हैं वो धर्म को शिक्षा नहीं कहते, धारण करना तो कहते हैं मगर शिक्षा नहीं कहते, वो कहते हैं स्वभाव आपका धर्म है। परमेश्वर कहते हैं कि आपका स्वभाव ही आपका धर्म है। अगर आपके स्वभाव में करुणा है तो आपका धर्म करुणा है, और अगर आपके स्वभाव में हर वक्त लड़ना है, गुस्से होना है, तो आपका स्वभाव गुस्सा हो गया ना, एक करैक्टर हो गया। हम हर आदमी को उसके करैक्टर से जानते हैं, कह रहे वो आदमी तो बड़ा शरीफ सा है जो बोलता नहीं जा रहा, है ना? जो बोलता नहीं उसका मतलब शरीफ नहीं होता, मगर हाँ हमारी भाषा में है। उसके अंदर अंदर क्या पल रहा वो अलग बातें, उसके अंदर से कैसा है वो। तो ईश्वर कहते हैं कि यहां से जब हम शुरू होते हैं सीखने से, जब धारण करते हैं, माँ सिखाती, दादी सिखाती, नानी सिखाती है, दादा दादा, नाना, मामा, चाचा, ये सारे मिलके जो सिखाते हैं, फिर उसके बाद एक अगला नंबर आता है। पहले गुरु ये रिश्तेदार सारे, दूसरा गुरु
जो उसके साथी होते हैं छोटे छोटे जिनके साथ खेलता है, दूसरे गुरु वो होते हैं, वो भी सिखाते हैं बहुत कुछ। कभी कभी आपने बच्चे को गाली सिखाई नहीं होती, वो गाली सीख के आ जाता है, घर आके बोल देता है, उसको पता नहीं होता है गाली है, वही लफज बोलता है वो, और सारा घर परेशान हो जाता है, ये कहां से सीख लिया, फिर समझ में आता है। तीसरा नंबर आता है टीचरों का, हम तो सारी बात टीचरों पे डाल देते हैं ना ज्यादा, या मां पे डाल देते हैं, तेरी मां ने की सिखाया, या टीचरों पे। टीचरों का नंबर तीसरा, मां का नंबर भी पहला नहीं। मां को तो कई बार जब लड़का होता है तो उसको तो पकड़ाया नहीं जाता, दादी नानी लेके ही घूमती रहती, मां भी पहला नहीं होता, मां पहली गुरु होती है अपनी बेटी की, बेटे की नहीं होती, बेटी को वो सिखाती सारा कुछ। तो वो आदमी जो जो सीखता जाता है, सारे अगलेदार, सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त, फिर टीटी से टीचर, तो उसका एक ये स्वभाव बनता है, उन सब से जो धारण करता है उसका उसी तरह का स्वभाव बन जाता है। अब रामायण में देखते हैं हम, राम के गुरुओं ने सिखाया यज्ञ करना, लकड़ी फूकना, घी डालना, ड्राई फ्रूट डालना, आर्मी की पकड़ के भी बलि दे देना, और रावण के गुरुओं ने क्या सिखाया उसको, उसको सिखाया भी ये गलत है, यज्ञ करना गलत है, ईश्वर का इससे कोई संबंध नहीं है, ईश्वर तुम्हारे अंदर है, और आज सारे धर्म कहते हैं ना ईश्वर अंदर है, मंदिर का अर्थ भी यही है, मन के अंदर, मन मंदिर का अर्थ ही यही है कि मन के अंदर। तो रावण के गुरुओं ने जो सिखाया वो रावण ने सीखा, राम के गुरुओं ने जो सिखाया वो राम ने सीखा, दोनों के अलग अलग स्वभाव बन गए। अब अगर पंडित से राशि पूछे तो राशि एक है दोनों, उसकी भी राह से है, उसकी भी राह से है, उसके भी राह को आ की मात्रा है, उसके भी राह को आ की मात्रा है, तो राशियों का कोई असर पड़ा, राशियों का असर नहीं। ये जो मां से लेके दादा नानी दोस्त और टीचर सिखाते हैं असर वहां,